हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मंगदुम कुंड, जो कि आप आने ही वाला है। मैं अब आपको अपने इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ये जो सामने में बिल्डिंग दिख रहा है, ये है सिद्धार्थ होटल, जो काफ़ी अच्छा है। आप लोग यहाँ आके ठहर सकते हैं और यहाँ आकर मस्ती कर सकते हैं। बस हम लोग मंगदुम कुंड पहुँचने ही वाले हैं, तकरीबन पहुँच ही गए। अब गाड़ी हमारी लगेगी साइड में, तो गाड़ी से उतरने के बाद फिर आप लोगों से बात करेंगे और बताएंगे कि मंगदुम कुंड है एक्चुअल में क्या। एक्चुअल मुझे भी नहीं पता, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। चलिए गाड़ी से उतरते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। हम लोग उतर चुके हैं, ये हमारी गाड़ी है। इसी गाड़ी से हम लोग आए हैं दरभंगा से यहाँ राजगीर, और हम लोग उतर चुके हैं। ये मंगदुम, ये जो कुंड का बाहर का एरिया है, वो एरिया आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो हम लोग मखदूम कुंड के अंदर आ चुके हैं और इंटर कर चुके हैं मखदूम कुंड के। एक्चुअल में मखदूम कुंड है क्या, वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप यहाँ पे आए हैं तो पता चल जाएगा। और काफ़ी खूबसूरत है ये साइड के, जो आप देख पा रहे हैं, ये शायद मस्जिद मुझे लग रही है। काफ़ी खूबसूरत है, और ये अंदर का ये आप नज़ारा देख पा रहे होंगे। काफ़ी लोग हैं। एक्चुअली मखदूम कुंड के बारे में मैंने भी बहुत कुछ सुना है, क्योंकि वो रेगुलर पानी आता है, लेकिन वो पानी एक गर्म पानी होता है। वो कुंड है, बना हुआ कुंड में पानी आता है, वो पानी गर्म होता है। तो वो तो पता नहीं, लेकिन अब आज पता चल जाएगा वो सच में है या सिर्फ लोग बात बनाते हैं। और ये रहा मखदूम कुंड के चारों साइड, वो आप देख पा रहे होंगे साइड में। मखदूम कुंड के अंदर हम लोग आ चुके हैं, और ये मखदूम कुंड काफ़ी हाइट पे है, ऊपर है पहाड़ के ऊपर। शायद हम लोग पहाड़ के ऊपर नहीं जाए, नीचे ही रहें। और हम लोग चल रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। ये मस्जिद है, आ गए ऊपर, तो चले घूम के आए, देखते हैं कितना हाइट पे है। फर्स्ट टाइम आना हो रहा है यहाँ पर, और काफ़ी हाइट है। चलिए देखते हैं कितना हाइट है। आ चुके हैं ऊपर, जा रहे हैं ऊपर, देखते हैं क्या है। कुंड ऊपर में है या नीचे में, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। एक्चुअली एक कुंड है, जो नीचे से पानी उसे निकलता रहता है, और शायद ऊपर में कुंड नहीं है, नीचे ही में कुंड है। जैसे सीढ़ी बना हुआ है पहाड़ के ऊपर जाने के लिए। छोटी सी मस्जिद है ऊपर में, और ये कब बना था, ये ऊपर बना था 1971 में। ये पीछे का नजारा। और अनिवा, कुछ नहीं, मैं देख रही हूँ। क्या हो रहा, कुछ दिख रहा है कि नहीं? दिख तो रहा है, पर तुम लोग को दिखा नहीं रहे, बैक कैमरा करके दिखाई दे। ये रहा मखदूम कुंड के ऊपर से नज़ारा, जो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है, काफ़ी प्यारा है। चारों साइड पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं, बीच में ये मखदूम कुंड का एरिया है, काफ़ी प्यारा है। तो मैं ऊपर आ चुका हूँ, ऊपर में कुंड नहीं है, कुंड शायद नीचे में है। तो हम लोग नीचे जाके देखेंगे कुंड है कहाँ पे, लेकिन ऊपर का व्यू बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। बस ऊपर आने में थोड़ी थकावट हो गई है, और ये नीचे सीढ़ी आप देख पा रहे हैं। तो हम लोग अब नीचे उतरेंगे और फिर आप लोगों को कुंड ज़रूर दिखाएंगे। जब आए हैं कुंड देखने, तो कुंड ज़रूर देखेंगे जी। और ये सीढ़ी के ज़रिए हम लोग अब उतरने वाले हैं। तब कैसा रहा ऊपर आना तुम लोगों का? ठीक ठाक था, मज़ेदार था, बस थोड़ी थकावट नहीं हुई मुझे, और सबको हो गई, हमारी फैमिली मेम्बर्स को। और बस ऐसे ही है, अच्छा है प्लेस, अच्छा है, पहाड़ है, बहुत सीनरी यहाँ पे अच्छी आ रही है, पिक्स बहुत अच्छी आ रही है। सनलाइट अभी शाम के वक्त है, तो इसलिए सनलाइट की रेस की वजह से फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, सब लोग नीचे उतर चुके हैं, मैं ही सिर्फ ऊपर हूँ। अब ऑलमोस्ट नीचे उतर चुका हूँ मैं भी। हाँ, पैर दर्द कर चुके हैं, सब लोग नीचे आ चुके हैं, मैं भी नीचे आ गया। अच्छा,
देखो सब लोग पीछे है, वहाँ इंतजार कर रहे हैं हमारा, पीछे सब लोग पीछे इंतजार कर रहे हैं। ये कुंड है, चलिए हम लोग भी कुंड देख लेते हैं, कुंड देखा नहीं है। ये कुंड रहा, अच्छा वहाँ देख सकते हैं ना, यहाँ उतार लो। वहाँ पे जो है ना पानी अंदर पहाड़ से आ रहा है, तो वह यहाँ पे सीधा आ रहा है। अच्छा पहाड़ से पूरा पानी आ रहा है, वो पहाड़ है पूरा है। अच्छा यहाँ पाइप लगा के इसमें बना दिया गया, ये पाइप लगा गया है कि इसमें आने के लिए गर्म रहे, एकदम गर्म पानी है। अच्छा गर्म पानी है, पैर आप चप्पल उतार के आइए, देखिए पैर गंदा हो जाएगा हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बाबा का दरबार, कुछ होगा नहीं, जूता पहन लेंगे तो नहीं तो वहाँ जाएंगे तो ऐसा रहेगा ना, तो गेट खोलेंगे तब मालूम होगा। अच्छा अंदर जाने का है? हाँ नहीं वहाँ यहीं से देखा जाएगा, गेट खोल के अल्हम्दुलिल्लाह एकदम गर्म पानी है। चल नल उठा रख के इसे आ जाइए, हाँ इधर आप भी आइए जरा बताइए। थोड़ा गेट खोल दीजिए, देख लो अंदर का। इसको क्या बोलते हैं, कुंड के अंदर जो साफ कुंड का पानी, हाँ कुंड का पानी। ये बाबा के 70-75 साल पहले का ये चल रहा है, अभी तक गर्म पानी है। अच्छा अभी हाथ लगा के दीजिए, एक पाइप आप घोट पी सकते भी है सफा के पूरी। अच्छा इसमें तो पी लीजिए, इसमें तो नहीं पीने कह रहे हैं, झुकना पड़ेगा। हाँ इसमें पी लीजिए आप, ये पानी देखिए। ये रहा मुल्क मजदूर के देख रहे पहाड़ का, पहाड़ का कंट्री, ये बना हुआ है इधर, ये बना वाली कुदरती चीज है। आज तक कोई भी पता नहीं लगा सकता, साइंस वाले भी नहीं आए तो। वो पानी रेगुलर आता रहता है, ये 24 घंटा 1700 से कितना से पानी चल रहा है, अगर 1773 इसी से कंटिन्यू पानी से आ रहा है, जिसमें इसमें मुल्क मजदूर तबरुक समझिए। मेन कुंड यही है जो आप लोगों ने देखा अभी, जो कि ये पानी ठहरने के लिए कुंड बना हुआ है, पाइप के जरिए गर्म पानी आ रहा है, रेगुलर गर्म पानी आता रहता है, लोग पाइप से पानी भर रहे हैं। मेन वही है जो रेगुलर पानी आता रहता है, इस कुंड में लोग दूर दूर से आके नहाना पसंद करते हैं, और ये सालों भर गर्म पानी ही आता है इसमें से। तो हम लोगों ने कुंड देख लिया, अब हम लोग बाहर आ चुके हैं। हम लोग पूरा मोजा बिन गया, लेकिन क्या करें उसी में जूता पहन लिए हैं, और हम लोग बाहर आ चुके हैं। हम लोग वापस बस में आ चुके हैं, और अगला आगे कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पांडुपुर। हम लोग वापस बस में आ चुके हैं, और अब आगे का प्लान है पांडुपुर।